क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्थान पर आप खुद को फंसा हुआ पाएं? आप पहुंचते ही किसी स्थान से निकलने का सोचें, आपके लिए वहां बैठना मुश्किल हो जाए। जानिए क्यों होता है ऐसा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी जगह पर जाने के बाद आपका मन वहां नहीं लगता? आपको इतना अजीब एहसास होने लगता है कि वहां दो मिनट रुकना तक आपके लिए संकट भरा हो जाता है। जी करता है कैसे भी, किसी भी तरह बस वहां से बाहर निकला जाए। यह जगह किसी का घर, कोई सुनसान रास्ता या फिर कोई सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ब्रह्मांड में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है। जब हम किसी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां कुछ गलत घटित हुआ होता है, जहां नकारात्मक शक्तियों का वास हो, तो हमारा मस्तिष्क हमें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की सलाह देता है। हमारा अंतकरण भी ऊर्जाओं से ही बना हुआ है। जब हम दूषित ऊर्जा में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारा मन वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, खास तौर पर मंदिर, तो आपका मन वहां बैठे रहने का करता है। आप कितनी ही देर वहां बैठ सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऊर्जाओं और दिशाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पूजा करने का स्थान और बेडरूम कभी एक जगह नहीं होने चाहिए, अर्थात सोने वाले कमरे में मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। इसे एक बड़ा दोष माना गया है। इसके अलावा रसोई और बेडरूम या रसोई या मंदिर भी एक स्थान पर नहीं होने चाहिए। सीढ़ी की एकदम नीचे रसोई बनाना सही नहीं है। ऐसा होने पर घर में बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है, खासकर स्त्री की सेहत खराब रहने लगती है। क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आपको भय और चिंता सताती रहती है? क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? जुड़े अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ कोर्स के साथ, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करें।